झूठा मामला और जेल, वहां यातनाएं। जेल में जिस सेल में रखा गया था वहां एक तरफ अपनी ही पत्नी का हत्यारा तो दूसरी तरफ पुलिसिया मुठभेड़ में शूटआउट करने वाला मर्डरर। यह भयावह दृश्य मेरे सामने था, या कहिए कर दिया गया था। आज भी वह दिन याद कर रूह कांप जाती है। अपने जेल के दिनों को याद करते हुए कुछ इस तरह भावुक हो उठे सुदीप बंदोपाध्याय। सुदीप कोलकाता उत्तर के तृणमूल उम्मीदवार और मौजूदा सांसद हैं। मंगलवार को बड़ा बाजार के महाजाति सदन में आयोजित सीधी बात में पहुंचे सुदीप हिंदी भाषी समाज से रूबरू हुए तथा अपने जेल के दिनों के बारे में अच्छी बुरी यादें साझा की। सुदीप ने बताया कि जेल में उन्हें आम कैदियों की तरह रखा जाता था। खाने में दालमा दिया जाता था जो सब खाते थे। एक वक्त तो लगता था कि ना खाऊं मगर पापी पेट मानने को तैयार ना होता। बुरे वक्त में घिरे सुदीप उस दौर में खुद को खुश करने की कोशिश करते थे। एक वाक्या याद करते हुए उन्होंने बताया कि खाना लेने के दौरान कोई उनके साथ लाइन में सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं होता था कि वो दिल्ली से लाए गए कैदी थे। उस वक्त उन्हें एक फिल्मी डायलॉग याद आता था कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उधर हिंदी भाषी से वोट अपील करते हुए सुदीप ने कहा कि बंगाल ऐसी राज्य है जहां हिंदी भाषियों का साथ व समर्थन ना मिले तो राजनीतिक जीवन बढ़ ही नहीं सकता। रही बात कोलकाता उत्तर की, तो यहां के वोटरों को अगर लगता है कि सुदीप बंदोपाध्याय ने सांसद होने के नाते उनके लिए कुछ किया है तो वो उन्हें जरूर वोट दें। सुदीप बंदोपाध्याय अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन एवं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा आयोजित राजनीतिक चेतना कार्यक्रम में पहुंचे थे तथा वहां हिंदी भाषी समाज के लोगों से मिले। वहां उन्होंने सीताराम शर्मा से सीधी बात की तथा विभिन्न सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम में तृणमूल से राज्यसभा के पूर्व सांसद विवेक गुप्त, संतोष शराफ, श्री गोपाल झुनझुनवाला, नंदलाल सिंघानिया, नंदकिशोर अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, महावीर रावत, सुरेंद्र अग्रवाल, स्थानीय विधायक स्मिता बख्शी, स्थानीय पार्षद मोहम्मद जसीमुद्दीन, एलोरा शाह, विजय उपाध्याय, संजय बख्शी, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश पोद्दार, सुरेश पांडे, प्रमोद सिंह समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे। सारे देश का बीच सीपीएम का बीच में फर्क है, लेकिन ये जो फर्क हो सकते 34 साल को मायावती की सरकार को ममता बनर्जी अकेला हटाया, अकेला, तो 5 साल को बीजेपी को भी उन्होंने हटा सकते हैं। ये इंतजार में हम लोग आज पश्चिम बंगाल में जो 42 में बोलता हूँ, मैं आज भी आपको बोलता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस के लिए 4 दिन बाद तो वोट हो जाएगा। ये मेरा 45 साल का एक्सपीरियंस, मैं इतना दिनों से राजनीति में है, मैं बंगाल को देखा, मैं मेरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि ममता बनर्जी को साथ लोकसभा में इस बार तोड़फोड़ लेने के लिए कोई पार्टी दिखाई नहीं देगा। फिर क्या होता है, बड़ी संख्या में जो ये सीपीएम के लोग जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्या है ये पद के लोभ में, सुरक्षा के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए, ये क्या है? ये बंगाल की लक्ष्य ही है कि पहले ममता हटाओ उसके बाद बीजेपी को बाद में देखेंगे। और अभी बीजेपी ना जाने कांग्रेस और सीपीएम से एक कदम आगे आ गया अपोजिशन के रूप से, ये तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। राज्य का राजनीतिक जो स्थिति हो गई सेंट्रल इंटरवेंशन पे, तो ये सब सोच के सीपीएम का एक टैक्टिक जरूर हो सकता है कि कोई कोई सीट में हरा दो, किसी को जिताओ जरूरत पड़े तो किसी को हराओ। और मैं तो बोलने वाला हूं, पार्लियामेंट में 2014 से 2019 में आई टूक पार्ट इन डिबेट्स इन 55 वेरी स्पेसिफिक वे, 50 वितर्क में मैंने भाग लिया था। और लास्ट टाइम में जो पार्लियामेंट खत्म होता वो लास्ट दिन में जो बिल आया था वो ट्रिपल तलाक बिल, मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट सेंसेशनल बिल, तो ममता जी भी मुझको कहा कि ये ट्रिपल तलाक बिल पर आपका बहुत संभाल के बोलना पड़ेगा क्योंकि ये देश का इतना सेंसिटिव इशू है, ये आप ही बोल सके। तो वो ट्रिपल तलाक बिल ही मेरा ये पार्लियामेंट में जो 16th लोकसभा चले गए, दैट वाज माय लास्ट स्पीच। और वो ट्रिपल तलाक बिल के पास मैंने जब यहाँ आया, हमारे यहाँ का जो मुस्लिम भाई लोग हैं उन्होंने बताया, मुस्लिम औरत लोग भी जैसा प्रशंसा किया। और जो केंद्रीय बल यहाँ पर आया हुआ है उसके माध्यम से चुनाव जो है होगा तो हम जीत जाएंगे, आपका क्या कहना है? पोलिंग स्टेशन में होमगार्ड दिया जाए, जो रिजल्ट आएगा वो आर्मी और सेंट्रल फोर्स लगा दो, रिजल्ट एक ही आएगा, 42 में 42 हम।
और मैंने सुना 3 दिन पहले ममता जी बताया कि आम जाम जो देगा वो खा लो और आटी फेंक दो, वो जो सांस है वो खा लो, किसने रुपया दिया तो वो चलो अजो कर लो, लेकिन वोट तृणमूल में डाल।